महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहरों की सूरत बदल गई है और इसके साथ ही परेशानियां भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपके सामने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। 6 तस्वीरें देखिए और समझिए हालात किस तरह से विकट हो गए हैं इन लोगों के लिए। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी जमकर बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। वहां हुई भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक आदमी पानी के तेज बहाव में बहकर उसमें फंस गया। लेकिन गनीमत यह रही कि उस समय वहां 2 लोग और मौजूद थे जिन्होंने डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। एक आदमी तेजी से तैरता हुआ डूबते हुए आदमी के पास पहुंचा और उसे किसी तरह किनारे तक ले आया। तो ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से बता दें जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं। ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मूसलाधार बारिश के बाद इलाकों में हाल देखिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां भारी बारिश हुई, वहां से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया, उसमें फंस गया। गनीमत ये रही कि ये तस्वीरें आप देखिए, उस समय वहां 2 लोग मौजूद थे जिन्होंने डूबते हुए उस आदमी को बचाया है अपनी जान की परवाह किए बगैर। एक आदमी तेजी से तैरता हुआ ये तस्वीरें में देखिए उसके पास तक पहुंचा है और आदमी के पास जैसे ही वो पहुंचा उसने उसको पकड़ लिया और फिर किसी तरह से किनारे तक लेकर आया। भैया तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मुसीबत की बारिश की तस्वीरें, नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद एक आदमी इन लहरों के बीच में फंस गया और फिर किसी तरह से वहां मौजूद 2 लोगों ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए, जिसमें से एक शख्स डूबकर वहां उसके पास तक पहुंचा तैरते हुए किसी तरह और फिर इस आदमी को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर की अब तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मॉनसून के बाद वहां क्या आलम है, देखिए ऐसा लग रहा है किसी झरने में सीढ़ियां बनी हुई है और कलकल करके पानी इस तरह से बह रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। भारी बारिश की वजह से जटाशंकर धाम में पानी घुस गया है। वहां तस्वीरें जो सामने आ रही है वो आप देखिए कैसी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धाम में कोई नदी घुस गई है। धाम के अंदर झरना बहता दिखा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नजर आ लगा है। मध्य प्रदेश में छतरपुर की तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह लोग परेशान हैं। और लोग ही नहीं, अब तो मंदिर में भी किस कदर पानी दाखिल हो गया है और देखिए किस तरह से भगवान की आराधना करना भी मुश्किल लोगों के लिए हो गया है, उसकी तस्वीरें हैं। ये जटाशंकर धाम की तस्वीरें हैं जिसके अंदर पानी दाखिल हो गया है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से वहां कुछ जगहों पर जमीन खिसकने की घटना सामने आई है। धारचूला इलाके से आई एक तस्वीर में दिखा कि भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक हिस्सा कमजोर हो गया और उसने धीरे धीरे मिट्टी खिसकती नजर आई, लेकिन उसके बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर तेजी से गिर पड़ा। इस दौरान वहां सड़क पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि जमीन खिसकने से पहले ही वो लोग काफी पीछे हट गए। हिमाचल के कुल्लू की तस्वीरें देखिए, हाईवे पर आया पहाड़ और ये दोनों ही तस्वीरें बेहद डरावनी हैं और जो चश्मदीद रहे होंगे उनको कितनी दहशत इन तस्वीरों के बाद हुई होगी और किस तरह से एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गया है पहाड़ का और कैसे उसने पूरे आवागमन को ठप कर दिया है। कुल्लू में हाईवे पर ये पहाड़ का हिस्सा गिर गया है और पूरा रास्ता बंद हो गया है और ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं इन्हें हटाने में कितना वक्त लगेगा, कब यहाँ से वाहन आ जा सकेंगे, बहुत कहना मुश्किल है इस बारे में। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर, पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर गया और हिमाचल के कुल्लू में आप तस्वीरें आपको हमने दिखाई किस तरह से वहां पर बड़े बड़े पहाड़ का हिस्सा गिर गया है। अगली खबर बिहार के सीतामढ़ी से भी आपको दिखा देते हैं। भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव के गांव पानी में डूबे नजर आए हैं और सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। पानी भरने का सबसे ज्यादा असर वहां आवाजाही पर पड़ा है। बताया गया है कि वहां कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के चिपलून में तो मूसलाधार बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। वहां इतनी बारिश हो रही है कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं, सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है और इसका मतलब साफ है कि सड़क
पर जो भी आदमी गुजरेगा उसकी सिर्फ गर्दन ही दिख पाएगी क्योंकि सीने तक तो पानी भर ही जाएगा। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत चिंता में डाल रही है वहां के लोगों की हालत को लेकर। ऐसा लगा जैसे सड़क पर दरिया बह रहा है, इन तस्वीरों को देखकर देखिए ऐसा ही लग रहा है, हर तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। सड़क किनारे मौजूद सब मकान डूब गए हैं, ऊपर से देखने पर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही पानी में समा गया हो। कल रात में 4 बजे से चिपलून और आजू बाजू का जो परिसर है वहाँ बड़ी तरह से बाढ़ का पानी जोर से आना चालू हुआ और अभी चारों तरफ मुंबई से आने वाला रास्ता भी बाढ़ मतलब बंद हो गया है। वहाँ कराड से चिपलून में आने वाला रास्ता भी बंद हो गया है, ना गोवा से चिपलून आने वाला भी रास्ता बंद हो गया है। इसी के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो तैयारी की गई है वो थोड़ी उसमें बाधा आ रही है। और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के सतारा की, जहां पर भीषण बाढ़ के बाद हालात और मुसीबत भरे हो रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर पानी लबालब नजर आ रहा है, जहां तहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा। लोगों के घरों में पानी ऐसे घुस रहा है जैसे कि किसी नदी ने ऐसा रूप अख्तियार कर लिया है जो कभी पहले ना देखा गया हो। नदियां उफान पर आ गई हैं, पूरे इलाके में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से वहां कुछ इलाकों का संपर्क कट गया है जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर फंसे दिखाई दिए। वहीं मकानों के आसपास पानी ऐसा बहता दिख रहा है कि मानो वहां कोई उफनती नदी तेज बहाव में बह रही हो। वहां पानी की रफ्तार भी इतनी तेज थी कि उसके सामने टिक पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां बने पुलों के ऊपर तक पानी आ गया, जिसके बाद गांव के गांव टापू बने नजर आए। रत्नागिरी की तस्वीरें देखिए, मूसलाधार बारिश के वजह से वहां बहने वाली एक नदी में उफान आ गया है, जिसके बाद उसके ऊपर बना एक पुल नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गया। पुल के बहने से आसपास के कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें आपके सामने, हालात वहां पर भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। भारी बारिश की वजह से वहां भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर भारी बारिश की वजह से स्थिति काफी खराब है। यही नहीं, कई इलाकों में पानी घर तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ के साथ नौसेना को तैनात किया गया है। रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना एनडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटेगी। तो आप ये समझिए कि अब विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी खबर बता रहे हैं, उसके मुताबिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि एनडीआरएफ के साथ साथ नौसेना को भी बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं ऐसे में लोगों को बचाना, लोगों के लिए कुछ सामान पहुंचाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। जहां तहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिखेगा। बाढ़ प्रभावित जगहों पर तैनाती होगी एनडीआरएफ के साथ साथ नौसेना की टीम की, क्योंकि उनकी वजह से ही अब आने वाले दिनों में इन इलाकों तक पहुंचना आसान हो पाएगा। रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम करेगी राहत और बचाव का। और ये जरूरी इस लिहाज से है क्योंकि अब एनडीआरएफ की जो टीम काम कर रही है उसके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौसेना की टीम अगर काम करती है तो लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों तक खाना पहुंचाना, लोगों को हो रही दिक्कतों के बारे में जानना ज्यादा आसान होगा। क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली कनेक्शन पूरी तरह से कट हो गए हैं, संपर्क टूट गया है, गांव के गांव पूरी तरह से शहरों से उनका संपर्क कटा हुआ है। ऐसे में अब एनडीआरएफ के साथ साथ नौसेना की मदद ली जाएगी इन इलाकों तक पहुंचने में है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। पहाड़ों से पानी ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी नजर आया। भारी बारिश की वजह से वहां सड़कें दरिया बनी नजर आईं। सड़कों पर पानी का कब्जा होने से वहां से गुजर रहे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए।
महाराष्ट्र के उल्लासनगर से अगली खबर देखिए। भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं और जिन रास्तों पर गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थीं, उन पर नाव चलती नजर आई। प्रशासन ने नावों के जरिए घरों में फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। और अगली खबर कोल्हापुर से है, जहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया और दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी नजर आया। बताया गया कि पानी भरने की वजह से प्रशासन ने वहां सुरक्षा के लिहाज से कई रास्तों को बंद कर दिया है। वहीं कुछ जगहों पर लोग घुटनों तक भरे पानी में मजबूरी में चलते नजर आए। वहीं सड़कों के दरिया बनने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है।